तो आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं। दोनों एक ही साथ काम स्टार्ट करते हैं फिर भी एक सक्सेस होता है एक सक्सेस नहीं होता है, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन अगर आपको जानना है तो ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी को पूरा सुनिए। एक आदमी है, काफी बूढ़ा हो चुका है वो, और वो सोचता है कि क्यों ना अब मुझे अपनी दौलत अपने बच्चों के नाम करनी चाहिए। पर वो समझदार है, वो जानता है कि अगर मैं अपनी दौलत किसी मूर्ख बच्चे के नाम करूंगा तो वो पूरी डुबा देगा। तो उसने एक प्लान सोचा, उसने सोचा कि कुछ किया जाए। तो उसने अपने दो खेत, उससे दो बच्चे थे तो दो खेत लिए और अपनी एक दौलत एक सोने के घड़े में और पूरा एक घड़ा में पैक करके अपने जितना भी उसकी धन दौलत थी सब समेट कर उसने उस एक खेत में कहीं पर जाके छुपा दिया और दोनों बच्चों को बुलाया। उन्होंने बोला कि तुम दोनों में से जो भी इस खेत में वो गरा हुआ धन ढूंढ लेगा तो वो पूरा धन उसका हो जाएगा, वही मेरी पूरी दौलत है। तो दोस्तों जो पहला वाला बच्चा था उसका, तो उसने ना इधर की देखी ना उधर की देखी, फावड़ा लिया और उसने पहला खेत खोदना चालू कर दिया। और दूसरा वाला ने कुछ नहीं किया, वो पूरा दिन भर उस खेत को खड़े होकर चारों तरफ से घूरता रहा। और पहले वाला ये सोचता रहा कि दूसरा वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो तो उसी को मिलेगा। वो बेसिकली पूरा दिन भर मेहनत करता रहा, दिन भर मेहनत करता रहा, पर उसको कुछ भी नहीं मिला। दूसरा दिन जब आया, उस दिन पहला वाला तो कर ही रहा था, साथ में दूसरा वाला भी खेत खोदने में लग गया। और 3 घंटे के अंदर दूसरे वाले ने उस गरा हुआ सोना निकाल के दे सामने रख दिया और उसके फादर ने बोला कि तुमने ये निकाला है तो अब ये तुम्हारा हो गया है। तो पहले वाला जो था उसका लड़का, उसने उसके पास आया, उसने बोला कि जब मैंने खेत तुमसे पहले खोदना चालू किया और मैंने इतना सब खोद दिया तब भी मैं निकाल नहीं पाया, तुमने पहले दिन कुछ भी नहीं किया और दूसरे दिन तुम सीधे आए और तुमने ज़्यादा समय नहीं लगाया और तुमने खेत खोद दिया, मतलब ऐसा क्या देखा तुमने या क्या तुमने ऐसा तुम्हें लगा कि यहीं पर सोना गड़ा हुआ है? दूसरे वाले ने उत्तर दिया कि तुमने जो की है वो एक हार्ड वर्किंग की है, मतलब तुमने जो काम किया है वो एक गधे घोड़े वाला काम किया हुआ है, मतलब जैसे गधे पे सामान लग देते हैं, गधा दिन भर बोझा ढोता रहता है तब और उसके बाद भी गधा कहलाता है। तुमने ये सोचा नहीं, ये समझा नहीं कि कहाँ पर वो गड़ा हो सकता है, तुम सीधे गए और खेत को खोदना चालू कर दिया, जबकि मैं पहले चारों दिशाओं से खड़े होकर ये देख रहा था कि खेत में कहाँ मिट्टी ऊपर है कहाँ मिट्टी नीचे है, क्योंकि अगर कहीं भी सोना गाड़ा गया होगा तो कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी हटाई गई होगी और उस पर कहीं ना कहीं अतिरिक्त मिट्टी डाली होगी। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए, कुछ निशान बनाए और सिर्फ वहीं पे खुदाई की और मुझे वो गड़ा हुआ धन मिल गया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, दो लोग होते हैं, दोनों एक जैसी प्रयास करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। बट एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी पर कि स्मार्ट वर्क वो नहीं होता है कि आप सिर्फ सोच कर काम करें, स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक 10 बार आप कोई काम को नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि 10 में से कौन सी बार जो जिस पे आपने सफलता हासिल की है और वो सबसे जल्दी हुआ है, तो वही आपके लिए नेक्स्ट टाइम स्मार्ट वर्क बन जाता है। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, जीतने वाले अपना काम को अलग ढंग से करते हैं, मतलब वो काम आप जैसे ही करेंगे जैसा आप करोगे पर उस काम को वो अलग ढंग से करेंगे। यही अगर मैं आप मोबाइल टेक्नीशियन भाइयों को अगर मैं बता सकूं कि अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाला दुकान वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है या आपको लगता है कि ये आप कहीं से पढ़ कर गए हैं और सामने वाला को ज्यादा नॉलेज हो गया है, मेरे को क्यों, मैं इतना नहीं सीख पाया, सामने वाला ज्यादा सीख गया, तो आप देखिए कि वो क्या तरीका यूज कर रहा है सीखने का और आप देखिए कि वो कितना समय अपने आपको दे रहा है। आप उससे थोड़ा सा ज्यादा सीखिए, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा समय अपने आपको दीजिए, आप हो सकता है दोस्तों कि उससे भी आगे चले जाए। सोचने से नहीं होगा दोस्तों, प्रयास करते रहिए, जितना आप प्रयास करेंगे और जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेस होंगे। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो पे कमेंट लिख के बताइए कि क्या आपने इस कहानी से क्या सीख मिली आपको। और अगर आपको कुछ भी ऐसी नई नई कहानी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक कहानी लेकर आता रहूंगा इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें चैनल से।